घटम चारुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदानवाग्निलीनम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतम् वन्दे माधवाक्षम् महागुरुम् आयुर्वेदामृतम् सर्वम् शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् स्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च ज्ञापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयन्नु प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन् अग्रे संग्रह का अध्याय शुरू कर दिया था, इससे आगे चलते हैं। जाम्बवम वातचंद नाना जम्बूफल जो है वो वातचंदन करने में करने वाले चीजों में सबसे श्रेष्ठ है। कुलत्था अम्लपित्त जन नाना कुलत्थ जो है वो अम्लपित्त निर्माण करने में सबसे प्रधान है। और वैसे अम्लपित्त का यद्यपि साक्षात निर्देश बृहत्तर में नहीं आता रोग के हिसाब से, फिर भी ये रेफरेंसेस तो मिलते हैं। ऐसे वृद्धान्न में भी अम्लपित्त का निर्देश है, तो शायद ये बात थी वो बाद में ज्यादा डेवलप हुई डिसीज के रूप में। माशाह शशकुल्यः अविक्षीरं च पित्तश्लेष्म जननानां शशकुल यानी कि करण जी नहीं है ना, तीन ही एकत्र एक कार्यकरणाम औषधानाम यहाँ अत्यर्थं कार्यकर सौग्रह उदकम आश्वासादिकर्तृ आश्वासादि कर्तृभ्य अन्येभ्य श्रेष्ठ अन्यत् सुबलं पुस्तोपघातक शुक्रनाश मालिन्येन स्रोतसां स्रावः अम्लपिण्डस्य विदग्धत्वं शष्कुल्यः तिलाभि मिश्र गोधूम चूर्ण कृतः स्नेहपुष्टाः भक्ष्याः तिल और गोधूम चूर्ण और स्नेह भ्रष्टाः तो तलिताः तो ये शैलो फ्राई ऐसा कुछ लग रहा है तो थोड़ा स्नेह डाल के भ्रष्ट किया है, लेकिन तीन अलग अलग है। माश शशकुली और अविक्षीर तो शशकुली का मतलब ज्यादा तिल से दिखाई देता है, तिल और गोधूम और क्षीर और तैल में भ्रष्ट करना, इस प्रकार का पित्त श्लेष्म जननाना पित्त और कफ को बढ़ाने वाले है। वैसे माश का इस्तेमाल दक्षिण में बहुत होता है और वो पीढ़ियों से उनको साथ में है। ये जब ये निकृष्ट धान्य है, शायद ये स्थिति रहेगी कि ये चावल और माश यही दो प्रधान अन्न है वहां पे, गेहूं का इस्तेमाल नहीं है।
अभी ब्रेड इंट्रोड्यूस हो गया और अभी कहीं जगह चपाती भी इंट्रोड्यूस हो गई, लेकिन ट्रेडिशनल जो है वो माश और तंडुल यही प्रधान आहार है। तो पीढ़ियों से साथ में होने के कारण ठीक रहेगा ऐसा है। दुरालभ पित्त श्लेष्मों पर शोषण आना, पित्त और कफ के उपशोषण के लिए दुरालभ श्रेष्ठ है। निर्मित में संकल्पना है इसके बारे में कि जितने भी कर्म बतलाए गए हैं द्रव्यम के बारे में, उन कर्मों को इकट्ठा किया जाए। वास्तव में ये तो औषध कोश में हो गया है, फिर उसमें सभी का मिश्रण है, चाहे कर्म हो या द्रव्य हो या गुण हो, कुछ भी हो, तो उसमें से सिर्फ कर्म जो है वो अलग कर देंगे। तो कितने कर्म बतलाए गए हैं आयुर्वेद में, जो औषधियों के बारे में हो, रोग कारण के रूप में हो, तो उसमें कर्म नाम के पदार्थ का पत्ता अच्छी तरह लग जाएगा, उसके बारे में जानकारी हासिल होगी। उपशोषण थोड़ा अलग ही आया है, ये नहीं भी शोषण ये तेवड़ रहे। उपवासो ज्वर हराणाम, जो इस्तेमाल करते हैं ज्यादा वो दुरालभा चापी वाति पित्त कफहरी, ऐसा एक चक्रमणि दत्त के टीका में रेफरेंस है। रुद्रशामक खास करके भ्रम वगैरह लक्षणों में और मानस कारण है, तो दुरालभा का इस्तेमाल अच्छा होता है। उपवासो ज्वर हराणाम, ज्वर हरण करने वालों में उपवास सबसे श्रेष्ठ है। वृषा रक्त पित्त प्रशमना नाम, वासा या अडुलसा जो है वो रक्त पित्त प्रशमन में सबसे श्रेष्ठ है। और वृषोष्ठ पित्त ये अग्नि संग्रह भी है, और रक्त पित्त या रक्त सीता रक्त मेह वगैरह वगैरह ऐसे कुछ अगर संभ्रम की अवस्था है तो अडुलसा का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर रक्त पित्त है तो तुरंत वो कम हो जाता है, ऐसा ग्रंथों का कहना है। तो गुढ़लिंगम व्याधिम उपशयान उपशयाभ्याम परीक्षित, ये रक्त प्रदर है या फिर रक्त पित्त है, इस प्रकार की आशंका हो तो वासा का इस्तेमाल करेंगे, उससे शांति हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि रक्त पित्त है इस प्रकार। और वैसे ही वो वमन के बारे में हुआ था कि पहली बार जब खून निकलने लगा वमन में तो मैंने तुरंत पलटकर जी को फोन किया कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बता दिया है कि रक्त पित्त होता है, रक्त नहीं होता। और बल के हिसाब से वमन चालू रखना है नहीं रखना है, इसका निर्णय लेना पड़ता है। तो तुम देखो बल अच्छा है तो चालू रखो, नहीं तो कम कर दो, बंद कर दो। तो मैंने सोचा कि अगर ये रक्त पित्त है तो बेहतर है कि वासा का इस्तेमाल करे। वासाकल्प मेरे पास था, वो डालकर पिला दिया और दूसरे ही वेग में रक्त आना बंद हो गया। तो फिर मैंने पोलटकर जी को बताया मैंने ऐसा ऐसा किया, वो बड़े प्रसन्न हो गए। और अभी ये पद्धति हो गई है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वासा का इस्तेमाल करना है। थोड़े ही मरे जैसे मिले हैं कि जिनमें ये खून का आना बंद नहीं हुआ तो वो वमन रुकना पड़ा, लेकिन बाकी सब रुग्णों में वासा देते हैं या दुर्वा देते हैं तो भी रक्त पित्त का प्रशमन हो जाता है।
और वमन कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसा है। कंटकारिका कासघ्नानां कासघ्न द्रव्यों में कंटकारिका सबसे श्रेष्ठ है। एक अजीब चीज है वो वास्तव में नहीं आई, लेकिन कोलटकर जी को याद नहीं है पक्का, टाइफाइड होने के बाद या कुछ मीजल्स हुए थे, गोर हुआ था उसके बाद में, बड़ी खांसी आ रही थी। तो फणसरकर जी ने चिकित्सा की थी और वो ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि मैं सोच रहा था ये बहुत कठिन रहेगा। तो तब उन्होंने बोला कि आज तो ये खांसी ठीक हो गई है, लेकिन तुम्हारे 62वें उम्र में फिर से खांसी होगी और वो काफी मुश्किल होगी। तो फिर कोलटकर जी ने तुरंत दवा पूछी, तो बोले कंटकारिका, वो तुम्हें लेनी पड़ेगी। कोलटकर भी नहीं रहे और फणसरकर भी नहीं रहे। लेकिन ये प्रेडिक्शन किस आधार पर किया था ये मालूम नहीं है। कोलटकर जी ने खुद बात बताई थी, क्या ऐसा ऐसा फणसरकर जी ने प्रेडिक्शन किया था। और ऐसा ही एक प्रेडिक्शन किसी व्यक्ति को कामला हुई थी और अण्णा साहेब पटवर्धन ने उनकी चिकित्सा की। तो कामला काफी गंभीर थी, फिर भी उससे बच निकले। तो उन्होंने आभार प्रदर्शित किए। तो उन्होंने बताया, एक तो ठीक है अभी कामला ठीक होगी, लेकिन 50वें बरस में तुम्हारी दृष्टि जाएगी और उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा। ये 30 साल में उनका प्रेडिक्शन था, 30 साल की उम्र में। तो मालूम नहीं इनके जजमेंट किस प्रकार के है, लेकिन है। लाक्षा सद्यक्षतघ्ना नाम, सद्यक्षतघ्न के लिए लाक्षा है, तो शायद चिरंतन काल हो गया हो, तो अमृतराज गुप्त वगैरह ऐसे ही कुछ इस्तेमाल मिलाना पड़ेगा। लेकिन कोलटकर जी की एक अनूठी केस है कि वजन बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा था और करीबन 22-25 किलो वजन कम हो गया 1 महीने में। बॉम्बे का मरीज था और वो बिल्कुल जब ट्रेन के लिए निकल पड़े थे उस समय पहुंचा, तो थोड़ा पूछने के बाद सर जी को पता लगा कि ये शुक्रक्षय वाला मामला है। तो उन्होंने शतावरी चूर्ण की पुड़िया दे दी और एक एक पुड़ी सुबह शाम दूध में लेने के लिए कहा। 15 दिन, 15 दिन के बाद मरीज फिर से आया। तो वजन कम होना बंद हो गया था और 1 किलो वजन बढ़ा था। फिर भी जब पूरी हिस्ट्री ले ली तो उसमें पता चला कि वो बहुत व्यायाम करता था। उसके बाद में ये उरुक्षत हो गया और फिर उसके बाद में वजन कम होना शुरू हो गया और बीच में ये शुक्रक्षय वाला मामला हो गया। तो सर ने दवाई बदल दी और लाक्षा सुबह शाम देने के लिए दे दी। और जैसे ही लक्षा शुरू हुई तो तुरंत वजन बढ़ने लगा और 1 महीने में 22 किलो वजन फिर से बढ़ गए। लक्षा का डोज भी बहुत कम था, लेकिन फिर भी अगर सही निदान होता है तो किस प्रकार से रिजल्ट्स मिलते हैं, इसका ये अच्छा नमूना है। सद्यक्षत तो
अलग है। उसका डायग्नोसिस क्या रहेगा, लंग फाइब्रोसिस या टीबी के लिए ये लाक्षा या नागबला पर्याप्त रहेंगे नहीं रहेंगे, इसका प्रकार का सवाल है। उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि लंग फाइब्रोसिस का निदान तो और ही कुछ हो जाएगा। ये फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो लेने का छोड़ने का ये अच्छा नहीं होता। तो इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए क्या करें, तो स्नेहन स्वेदन ही उसमें अहम है। बाह्य स्नेहन करके फिर पिंड स्वेद करने से काफी लाभ होता है, ऐसा है। और वैसे उसमें कफ ट्रैप हो जाता है, बाहर आसानी से निकलता नहीं, और फिर उससे तकलीफ ज्यादा बढ़ती है। तो स्वेदन तो उरक्षक में निषिद्ध है, तो ये नहीं आएगा, लेकिन वो उसकी एक अलग चिकित्सा रहेगी। क्षय में ये क्या है, भेद नाम की अवस्था है, क्षत्रिया काल जो बतलाया है, और उससे व्रण भाव उत्पन्न होता है, व्रण भाव प्राप्त होता है, और व्रण होने के कारण वो खून निकलता है, ऐसा है। तो यहाँ व्रणारोपण की चिकित्सा ज्यादा काम करेगी, और खास करके लाक्षा है तो उरक्षत के लिए लाक्षा है, बाकी व्रणों के लिए अश्वगंधा सुवर्णमाक्षिक प्रवाह, एक योग फिर सरकार जी इस्तेमाल करते थे। कोई भी पुराना घाव हो तो भीतर दवाइयों में अश्वगंधा स्वर्णमाक्षिक प्रवाल इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन वृक्षत में लाक्षा ही श्रेष्ठ है, तो वो इस्तेमाल में, वो टीबी के कारण या क्षय के कारण भी वृक्षत हो सकता है। क्षतचकास इस प्रकार का भी बतलाया गया है, लेकिन उसमें शायद ये लाक्षा का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अमृतपराश गुप्ता या नारसिंह रसायन वगैरह ऐसे जो है इनका ज्यादा अच्छा है, इलाजी रसायन कुष्मांडावले है, ये ज्यादा काम करेंगे, ऐसा रहेगा। तो वृक्षत नहीं है ना, ये कैंसर बन गया, वृक्षत है सद्य क्षतक। जब क्षतक का निर्देश देते हैं तो उरक्षत ही है, उसमें कोई नहीं, नहीं तो व्रण ही कहते हैं। कैंसर में व्रण पाए जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में भी पाए जाते हैं, तो उसमें क्या इस्तेमाल करें यह अलग चीज है। उसमें भी दुष्ट व्रण होते हैं, बहुत बदबू आती है, मैगेट्स होते हैं, तो इन सभी की चिकित्सा अलग अलग है। अगर मैगेट्स वगैरह है तो धूपन चिकित्सा उसमें करनी है, मैगेट्स निकालने हैं, तो सुरस अधिगण का काढ़ा वगैरह करके। और दुष्ट व्रण है तो शोधन तेल वगैरह या एलादी तेल दोनों तरीके से काम करता है, और धूपन ये रहेगा, लेकिन वो क्षता अलग है, और वो निजी कारण से भेद होकर हुआ क्षता है। नहीं, निजी कारण है क्या, आगंतुक कारण नहीं, दोनों अश्वगंधा स्वर्णमाक्षिक प्रवाल निजी हो या आगंतुक कारण से हो तो उसमें इस्तेमाल में आता है। इसमें दो चीजें हैं, राजयक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है ये एक बार देखना पड़ेगा। कई मरीज ऐसे होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, एबी निगेटिव है,
कई बार इम्पीरिकल ट्रीटमेंट दे देते हैं कि ये नहीं हो रहा है, ये भी निगेटिव है, तो भी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देना है इस प्रकार का, और उससे लाभ भी हुआ दिखाई देता है। लेकिन सभी मरीजों में इस लक्षण प्राइमरीली फॉर साध्य क्षत, मीनिंग टू बी यूज प्राइमरीली फॉर न्यू वृक्षत, देन व्हाट इज आइडियल फॉर ओल्डर क्षत? यहाँ पे सद्य क्षतक क्षतघ्न नाम इस प्रकार का निर्देश है, इसलिए मैंने तात्कालिक में उपयोग में आने वाली है, ऐसा मेरा मंतव्य है। वैसे उरक्षत में लाक्षा ऐसा ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं तो नूतन अवस्था हो या जीर्णावस्था हो, लाक्षा का प्रयोग हो सकता है, ऐसा रहेगा। लेकिन कर्माद वीर्यम रुचिपत्ति बलम ओजश्च हीयते, ऐसे ते उरक्षत में उसका क्रम दिया है। कोलटकर जी को जी की जो केस थी, वो उन्होंने शुक्रक्षय ऐसा निदान किया था, लेकिन उस शुक्रक्षय का कारण उरक्षत था, और ये सेकेंडरी टू उरक्षत था। फिर भी तो ये तात्कालिक नहीं था, वो वजन कम हुआ मेरे ख्याल में 1-2 महीने बीच में बीत गए होंगे, ऐसा होगा, अभी याद नहीं है पता मुझे। लेकिन अगर जीर्णावस्था है, जैसे कि अंशुल की केस है, तो उसके बारे में क्या सोचेंगे ये थोड़ा देखना पड़ेगा। लाक्षा उसमें उस इस्तेमाल में आएगी ही, वैसे तो चल रही है लाक्षा, नहीं तो फिर आगे जाकर ये अमृतराज गुप्ता या ऐसे द्रव्यों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो वर्णभाव के हिसाब से दिए गए। हाँ, दिल से अमृतराज का इस्तेमाल किया है अंशुल में, ऐसा बोल रही। नागबलाभ्यास क्षतक्षय घ्नानाम, नागबला का अभ्यास, नागबला का एक रसायन विधि भी आया है, केवल नागबला लेना और दूध के ऊपर रहना, दूध ही लेना इस प्रकार का, तो क्षतक क्षयघ्न में इस्तेमाल में आती है। कैंसर के मरीजों में भी ये दिखाई देता है इस प्रकार का, और लंग कैंसर में खास करके खूनाना, तो उसमें भी शायद इसके बारे में सोच सकेंगे। और इन्फेक्शियस डिसीजेस, जहाँ इन्फेक्शन पाया जाता है, वो काफी दिक्कत वाले मामले हैं। जहाँ इन्फेक्शन दिखाई नहीं देता, वो फिर भी हमारे हिसाब में अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि ये ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर मलेरियल फीवर है, टाइफाइड पॉजिटिव है इस प्रकार का। तो इन सभी में अगर पैथोलॉजिकली इन्वेस्टिगेशंस में ये पॉजिटिव है, तो ये दिक्कत वाले मामले होते हैं। तो उसमें ऐसा है कि मैंने अलग सा व्याख्यान दिया था इन्फेक्शियस डिसीजेस और आयुर्वेद के बारे में। सॉरी सर, आई कुड नॉट लिसन टू द आंसर बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्टेड ऑडियो, आई विल गेट द आंसर पर्सनली लेटर। मॉडर्न मेडिसिन की जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, जो जिस दिशा से चल रही है, उसको ध्यान में लेना है नहीं लेना है, इसके बारे में विवाद है, वैद्यों में भी विवाद है। लेकिन मेरा खुद का मानना ऐसा है कि वो ध्यान में लेना चाहिए। कारण इसका ऐसा है कि रोग जंतुओं के बारे में उनकी प्रतिकार क्षमता बढ़ रही है, उनको एंटीबायोटिक्स की
इनोकुलेशंस मिल रही है उन्हीं के परिणामों से, और हमारी प्रतिकार क्षमता दिन ब दिन कम होती जा रही है। जो खाना है वो अच्छा नहीं है, पेस्टिसाइड्स वगैरह सभी का इस्तेमाल हो रहा है, व्यायाम का अभाव है। तो ऐसी स्थिति में हमारी प्रतिकार क्षमता दिन ब दिन घटती जा रही है और इन्फेक्शियस डिसीजेस जोर कर रहे हैं। तो अगर इसको मूल रूप से सुधारना है तो फिर से ये सेंद्रिय पद्धति की खेती का इस्तेमाल करना करना एंटीबायोटिक्स पर रोकथाम आनी चाहिए, और सिर्फ सीमित रुग्णों में ही उसका इस्तेमाल होना है, अंडर गाइडेंस ऑफ ए मेडिकल डॉक्टर वगैरह वगैरह, ऐसा होना चाहिए आइडियली। तो फिर ये इम्यूनिटी उसके खिलाफ बढ़ेगी नहीं, ये कब कैसे होगा मालूम नहीं है उसके बारे में। लेकिन अगर ये बात हमारे ध्यान में नहीं है तो अगले 10-15 बरसों में ऐसा होगा कि कुछ एंटीबायोटिक कुछ भी काम नहीं करेगी और इट विल बी ए टोटल फेलियर, इवन फॉर टाइफाइड और मलेरिया और मेनिनजाइटिस और व्हाट्स एवर इट इज। और हमारी भी स्थिति गंभीर ही रहेगी क्योंकि इम्यूनिटी इतनी डाउन है। तो रसायन और पंचकर्म यहाँ पे पॉसिबल हो, उसके अलावा कोई चारा उसमें नहीं रहे। शंबर नहीं डाली, 70 60 70 डाली, ऐसा क्या है। विदेशों में भी ऐसा ही रहेगा नहीं डॉक्टर, विदेशों में हाइजीन काफी सुधारा है और इसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स की उतनी जरूरत नहीं रहती। इन्फेक्शियस डिजीजेस वहाँ फिर भी होते हैं लेकिन काफी कम मात्रा में होते हैं। भारत और भारत जैसे विकसनशील देश या अविकसित देश, इनमें इन्फेक्शन को बढ़ावा देने वाली चीजें बाहर बहुत ही है। हाइजीन हमारा बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, तो इन्फेक्शन के लिए बढ़ने का बहुत सारा अवसर है। और रोकथाम के लिए शरीर में प्रविष्ट होने के बाद एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना, वैसे हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, स्ट्रांग है ज्यादा, तभी सभी लोग बार बार बीमार नहीं होते। लेकिन फिर भी स्थिति को अगर सुधारना है तो हमारी प्रतिकार क्षमता बढ़नी चाहिए, वही उसका उत्तर है। और वो खाने पीने की चीजें बदलेंगी, व्यायाम का महत्व बढ़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। पुष्कर मूलम हिदमा श्वास कास पार्श्वशूल अरुचि हराणाम। हिदमा श्वास कास पार्श्वशूल और अरुचि, इन सभी रोगों में पुष्कर मूल श्रेष्ठ है। अब ये मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन फिर भी खास करके निमोनिया वगैरह जो है अभी के डिजीजेस, बस्ति पार्श्व शिरस्थली व्याघ्री गोक्षर साधिताम ये एक है, और नागरम पौष्करम मूलम गुडुचि कंठकारिका सकास श्वास पार्श्वार्धव वातश्लेष्मोत्तरे ज्वरे। ये सब गुणे शास्त्री वगैरह ने श्लेष्म का सन्निपात निमोनाइटिस इस प्रकार में इस्तेमाल में लाए हैं, आज भी उस प्रकार से काम करते हैं, ऐसा है। अजापया शोषघ्न स्तन्य कर रक्त संग्रहण प्रशमना नाम, शोषघ्न स्तन्य कर रक्त संग्रहण प्रशमना नाम कैसे बाद में आ गए अच्छा
निर्मापणं दोषशमनं उपशोषणं यच्छति आर्द्रभावं शोषयति कुछ दिया नहीं है। ये थोड़ा अजीब समास बनाया है। तो शोषघ्न चीजों में भी ये बताते हैं कि राजा यक्ष्मा की चिकित्सा हमें करनी है तो उसको आजा के बीच में ही जाकर रहते हैं तो बेहतर चांसेस है। और ऐसे कुछ उदाहरण भी है कि ऐसा करने से बार बार दोहराने वाला राजा यक्ष्मा ठीक हो गया। तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी है सबसे ज्यादा आजा की, और उस हिसाब से शायद ये बताया गया है। और स्तन्यकर भी है, वास्तव में स्तन्याभाय पयश्छागम गव्यम व तद्गुणम पिबे। स्तन्य नहीं है तो पहला दूध छाग का ही है, और नहीं तो गव्यता का वह तद्गुण करके देना है, इस प्रकार का है। लेकिन वो शायद गर्भिणी के लिए सूतिका के लिए भी स्तन्यकर इसमें श्रेष्ठ होगा। और संग्रहण रक्त संग्रहण आजम शोष ज्वर श्वास रक्त पित्त अतिसार अजित रक्त पित्त और अतिसार इस प्रकार में इस्तेमाल में आती है, तो ये भी देखना है। मृदृष्ट लोष्ट प्रसाद हम बोल रक्त सा तो इसका प्रशमन आनंद से कहीं संबंधित नहीं रहा था। रोग से किसी का संबंध है तुमच्याकडे काय असंच आहे ना टेक्स्ट असंच आहे। मला एक ग्रहणी आहे का असं एक वाटलं, पण जनरली संग्रहण असा शब्द त्या अर्थाने नाही वापरत। मृदभृष्ट लोष्ट प्रसाद हा चर्दी तृष्णाति योग प्रशमनाना चर्दी या तृष्णा का अतियोग, तो बहुत ज्यादा मात्रा में छर्दी है या तृष्णा है तो मृदभृष्ट लोष्ट प्रसाद वो मृदभृष्ट लोष्ट गर्म करके पानी में डुबा देना है और बार बार करना है, ऐसा तब तक करे कि पानी थोड़ा उष्ण हो जाए और फिर ऊपरी हिस्सा जो है वो पानी का देने का प्रसाद में जो वर्षा भाग वर्षा भाग गढ़ोल खाली खाली गढ़ोल साकार आना वर्षा भाग जो द्रव भाग है वो ऊपर वाला वो उसमें लेना है। ये हाँ ढेकड़ किंवा भले करायचं तो पेस्टिसाइड्स के हिसाब से करना है नहीं करना है वो अलग चीज है। नहीं खूब कड़क का स्टील तर हाँ नहीं हो। और दूसरा नहीं तो इसमें ईट का इस्तेमाल करते हैं, वो पहले से भ्रष्ट होती है। मृदभृष्ट इसका मतलब वो इष्टिका ईट, और वो गर्म करके डुबो देते हैं तो वो फूटती नहीं है आसानी से। अभी ये दूसरा सवाल भी उसमें होगा इस प्रकार का, रक्त संग्रहण रक्त प्रशमन ऐसा शायद सोच सकेंगे। रक्त संग्रहण और रक्त का प्रशमन करना यानी कि रक्त पित्त के प्रशमन के लिए ऐसा ये अच्छा रहेगा सुझाव। तो रसिक ने जो सुझाव दिया है रक्त संग्रहण और प्रशमन आना, तो रक्त का दोनों से संबंध ले लेंगे, इसका संग्रहण करने या रक्त पित्त का प्रशमन करने। रक्त संग्रहण यानी रक्त प्रशमन इस प्रकार का करेंगे तो यह अच्छा रहेगा। रक्त पित्त थांबवण आणि रक्त थांबवण नुसत दोन्ही हाँ प्रशम रक्त पित्ताचं प्रशमन करणं असणार अशा स्वरूपाचं। तो छर्दी और तृष्णा इसमें मृदभृष्ट लोष्टोद्भव जल अच्छा काम में आता है। लेकिन
अब पारंपरा से जो मिट इष्टिका का निर्माण होता था वो अभी ऐसा ही चल रहा है या मालूम नहीं है शायद। हाँ खापर भी इस्तेमाल में लाते हैं ऐसा। खापर खापर खरपर संस्कृत भाषा में जो है। अरुष्करः चित्रकमूलञ्च शुष्कार्षः प्रशमत्नानः। चित्रकमूल भी है। शुष्केषु भल्लातकमग्र्यमुक्तं भैषज्य मार्देषु तु वत्सकत्वं, ये अग्र संग्रह है। तो अरुष्कर है उसमें चित्रकमूल भी है शुष्कार्षः प्रशमन के लिए। तो वो चित्रक का मड़के को अंदर से लेप लगाना, उसमें फिर दही निर्माण करना वगैरह वगैरह, ये सब विधियां आई है। कुटजहा रक्तार्ष प्रशमनानं, कुटज जो है वो रक्तार्ष प्रशमन के लिए सबसे श्रेष्ठ है। नानल जी का ये कहना था कि इसमें अगर इस्तेमाल करना है तो अपान काल में कुटजा व लेह का इस्तेमाल करना है, कुटजा रिष्ट नहीं देना है। एक विद्यार्थी को उन्होंने बताया था। लाजाश्चर्दिघ्नानां, चर्दिघ्न में लाजा श्रेष्ठ है और ये काफी मात्रा में इस्तेमाल में आती है। यावशुकः श्रंसनीय पाचनीय अश्वघ्नानां, यावशुकः म्हणजे काय होतं ते मागे एकदम बघितलं होतं ना मला, नाही हे धान्यच आहे म्हणजे यवाच्छास पैकी काहीतरी आहे म्हणजे। बर तक्राभ्यास हा अर्षश्वेतु ग्रहणी दोष घृतव्यापत प्रशमनाना, अर्षश्वेतु ग्रहणी दोष और घृतव्यापत इनमें तक्राभ्यास श्रेष्ठ है। और वो जो तक्र के बारे में बताया गया है कि अर्श का बीज उससे नष्ट हो जाता है इस प्रकार का। और जैसे वो भर्जित भूमि में कुछ उपजाऊ नहीं होता, उसी प्रकार वो बीज भर्जित हो जाता है उसमें उसके उष्ण वीर्य से। तो शायद ये कैंसर में भी इस प्रकार में कुछ इस्तेमाल में आ सकेगा। ये बार बार होने की जो टेंडेंसी है कैंसर की, दोहराने की, उसको मूल रूप से निकालने के लिए बाद में, पहले तो रसायन प्रयोग के हिसाब से दूध लेना है और अलग से शायद इसमें तक्र का प्रयोग अभ्यास करने के लिए कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और छिन्नरोहा चिन्नापि रोहति, इस प्रकार के हिसाब से जो नष्ट हो गए हैं वहां के प्राकृत धातु, शायद केमोथेरेपी रेडिएशन वगैरह की वजह से, उसमें ये गुड़ुची सिद्ध क्षीर, वो गुड़ुची के बजाय चिन्नरोहा सिद्ध क्षीर ऐसे इस्तेमाल में लाएंगे। और तक्राभ्यास इस प्रकार के लिए इस यवशु का मीन्स यवक्षार नहीं लगता मुझे, यवशु का अलग ही है कुछ मालूम नहीं, वो द्रव्य गुण वाले और कोई है तो देखो, नहीं तो एक बार फिर आयुर्वेदीय शब्दकोश निकाल के देखना पड़ेगा। आए ना शोथजित तक्रम ऐसा नहीं वापर ले रहे। दूध जैसे देते हैं शोथ में, वैसे तक्र का इस्तेमाल मैंने ज्यादा किया नहीं है। थोड़ा मुझे मालूम नहीं, जिनको जिनको मैंने तक्र का अभ्यास करने के लिए कहा उन सभी में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ गई, प्रतिशय हो गया, कास हो गया और कुछ दिक्कतें आ गई। एक थोड़ी ही मरीज ऐसे हो गए कि जिनको ये सूट हुआ है, मालूम नहीं वो किसके वजह से है ये। ना ऐसा कहीं कारण तो शायद उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन तक्राभ्यास इस प्रकार में इस्तेमाल में आ सकता है। अर्षश्वेतु ग्रहणी
अपने माइक्रोफोन बंद करें। और दोष घृत व्यापत प्रशमना नाम, ये भी एक चीज है। अगर हम मानते हैं कि स्नेह का पचन नहीं हो रहा, खास करके घृत का, और कुछ उससे व्यापत हो गए हैं, तो तकरा अभ्यास लेना करना जरूरी है। या शुरू में जो रुक्षण करते हैं स्नेहपान के पूर्व में, उसमें तकरारिष्ट खलोद्दाल या वशामा तपो दर्वम इस प्रकार का है, तो तकरारिष्ट उसमें दे सकते हैं। और वैसे मैंने जिस गौशाला की कल्पना की है उसमें काफी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा है। एक गौशाला बनने पर दूध अगर हम शहर में लाकर बेच सकते हैं तो अलग चीज है, लेकिन अगर उसमें दिक्कतें हैं तो फिर दही और उसका छाछ बनाना, मक्खन ले लेना, छाछ का तकरारिष्ट बना सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे गांवों में तकरा ऐसे ही लोगों को दान करने की प्रथा है, तो ये भी हो सकता है कि आसपास के लोगों में उसका बंटवारा हो जाए, तकरा का बंटवारा हो जाए, और कुछ मरीजों को तकरा दे सकेंगे शायद अंतिम अगले अवस्था में। तो तकरा रिश्ते एक बाय प्रोडक्ट उसका बनेगा, गौमूत्र से भी अर्क निकाल कर वो एक प्रोडक्ट बनेगा, घी बनेगा उसको वैसे ही इस्तेमाल में लाएंगे या फिर उससे सिद्ध घृत बनाएंगे, तो देसी घी का सिद्ध घृत बनेगा। और गोमय का इस्तेमाल भस्म बनाने के लिए या गोबर वैस प्लांट के लिए इस प्रकार में काम में आएगा। तो एक अगर देसी गाय का फार्म बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें उससे हासिल होती है। अभी मुझे एक कुलकर्णी नाम के व्यक्ति मिले हैं, 81 वर्ष के हैं, बरस के हैं, उनकी खेती है वेल्हा में, और उनको इस उम्र में भी अभी ये देसी गायों के लिए करना ही है कुछ। तो उनका अनुभव काफी है इसके बारे में। तो हम सोच रहे हैं कि उनके साथ काम करें, और दूध ला सकेंगे नहीं ला सकेंगे या अभी निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन घी तो बना सकते हैं और बाकी जो तकर वगैरह है उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, ये सुनिश्चित रूप से है। तो अर्शस्वयतु गृहिणी दोष इस सभी में और घृत व्यापत के बारे में ये हो सकता है। क्रव्यान मांसाभ्यासो अर्शस्रोष गृहिणी दोष घ्नानाम्। ये कृशम प्रायो भी धावंती रोगाश्च गृहिणी गता, ये इस प्रकार का वर्णन है। तो कृशता को अगर हम किसी न किसी तरीके से दूर कर सकते हैं तो उसमें फायदा होता है। मेरे पास एक मरीज था, मैंने शायद ये बात बताई थी, और प्रवाहिका की तकलीफ थी, सकफ मल निस्सरण होता था, भूख बिल्कुल ही कम थी, अग्नि मंद था। तो मैंने सुवर्ण पर्पटी वगैरह का इस्तेमाल किया तो उसमें काफी मात्रा में फर्क हुआ, और कम से कम दाल चावल तक्र कढ़ी इसका इस्तेमाल तो, और घी इसका इस्तेमाल तो शुरू हुआ, लेकिन फिर भी आगे सुधर नहीं रहा था पेशेंट। तो मैंने फंड सर्कल जी को बताया तो उन्होंने भी मरीज देखा और उन्होंने उसको शुक्रक्षय का भी बतलाया, अल्पस्पिक इस प्रकार का या शुष्कस्पिक इस प्रकार का मरीज था, और महास्पिक ये शुक्रसार का है तो ये असारता का लक्षण रहता है, और मांसक्षगलानि गंडस्पिक शुष्कता संधि वेदना, ये मांस में मांसक्षय में भी स्पिक शुष्कता इस प्रकार का लक्षण है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि अश्वगंधा सिद्ध तेल से मालिश करो इसी मरीज में।
और उससे काफी फर्क हो गया। तो ये बात शायद ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो क्रव्यान मांसाभ्यासो मांसाद मांसम मांसेन समृतत्वात विशेषता, मांसाद प्राणियों का जो मांस है। हाँ कावड़ा कावड़ा वगैरह से हाँ खाता था वो। कुलकर्णी कुलकर्णी बता रहे थे, ये मालूम नहीं पड़ता किसी को। कव्वे का जो मांस है वो बकरे का है वगैरह ऐसा करके खिलाते हैं। 5 स्टार होटल्स में भी जाता है इस प्रकार का है। तो वो कुछ आदमी उनको बोल रहा था कि आज बाकी कुछ नहीं मिला तो 3 लाख कौवे को मारे, कौवे मारे इस प्रकार से। तो ये शायद अजीब है मामला। प्लीज म्यूट। वैसे राजा यक्ष्मा में बताया गया है कि इसका मांस ये बता कर देना है कि ये बकरे का मांस है करके, तो दे सकते हैं ऐसा है। वैसे टेस्ट में ज्यादा अंतर नहीं है ऐसा उनका कहना है। तो क्रव्यान मांसाभ्यास इस प्रकार का रहेगा। तो अर्श शोष खास करके शोष में ये इस्तेमाल में आएगा, और ग्रहणी दोष इसमें है। वो मेडिसिन है। और अगर माउस का पचन अच्छा नहीं हो रहा हो, जब माउस खा रहे हैं और उसका पचन न हो रहा हो और उससे अजीर्ण वगैरह ऐसी कुछ बीमारियां हैं, तो क्रव्यात रस बलि बनते हैं। उसी के कारण उसको नाम दिया होगा कव्यादरस करके। आई थिंक कव्याद मीन्स अनकुक्ड मीट। नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने जो सुना है वो मांसभक्षक प्राणियों का मांस, उसमें आकर्षण की शक्ति ज्यादा अच्छी रहती है। मांस से अपने शरीर का मांस बनाने में उसमें ज्यादा ताकत रहती है या एफिनिटी रहती है उसको। तो क्रव्यान मांस यानी कि मांसाद मांस या मांस भक्षक प्राणियों का मांस इस प्रकार का है। ये कच्चा वाला जो है एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन वैसे कच्चा मांस खाने का कम ही है। मैन वर्सेस वाइल्ड में देखेंगे तो कुछ प्राणियों को वो कच्चा खाया जाता है और कुछ को पका कर ही खाता है अग्नि पर। तो वो देखना पड़ेगा। आयुर्वेदिक शब्दकोश यवशुक इज इक्वल टू यवक्षार। बहुत बहुत अच्छा। तो यवशुक का मतलब यवक्षार ही है। समसनीय पाचनीय अश्वघ्नानाम यावशुक। तो समसनीय पाचनीय और अश्वघ्न इसमें श्रेष्ठ है। बहुत धन्यवाद। तो क्रव्याद भी एक बार देख लो। शायद नहीं, वो काफी उष्ण वीर्य वाला है। गर्भिणी को आम मांसानि खादयेत इस प्रकार का है वर्णन। और आम अर्ब आम गर्भ मांसानि आम गर्भ का, तो ये अंडा जो है वो दे सकते हैं। और वैसे मधुमालिनी मसंत का प्रयोग इसके हिसाब से भी करते हैं। गर्भिणी अवस्था गर्भ गर्भ से गर्भ की वृद्धि होती है, इसलिए वहां आम गर्भ का निर्देश है। गर्भिणी में क्रव्याद रस वो नहीं है, वो देसी अंडा देना चाहिए, विलायती अंडा नहीं, आज का अंडा नहीं है। तो क्रव्याद रस उपयोगी पड़तो कोणाला गर्भिणीला, उसके बारे में थोड़ा लंघन वगैरह पाचन ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मालूम नहीं, क्रव्याद रस एक बार फिर से देखेंगे, लेकिन वो काफी उष्णवीर्य है। गर्भिणी अवस्था में दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे थोड़ा सोचना पड़ेगा।
लेकिन माउस का पचन करने के लिए, माउस के कारण अजीर्ण है, तो क्रव्याद्रस बाकी रोगों में इस्तेमाल में आता है। गृहिणी में मैंने इस्तेमाल किया है, ये मांसाहार की ही हिस्ट्री ज्यादा है और उसकी उसका पचन नहीं हो रहा, तो अच्छा रहेगा इस प्रकार का। मुस्तम क्रव्याद मांसाद मांस व्यग्रथि व्यग्रधि आयुर्वेद शब्दकोश, तो मांसाद मांस वैसे ही है। व्यग्रधि का क्या मतलब है? व्याघ्रादि, हाँ सॉरी सर, तो व्याघ्र वगैरह जो मांसभक्षक प्राणी है उनका मांस, तो क्रव्याद का जो मांसाद मांस जो है मैंने बताया वही है आयुर्वेद शब्दकोश से। बहुत अच्छा, ये साथ में रखेंगे तो शायद जहां जहां हमें दिक्कतें आती है वो उसी समय उसका निराकरण हो जाएगा, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मांसाहारी येऊ शकतात प्रत्यय मांसाहारी मासे असं पुन्हा बघायला लागेल। मत्स्य मांस हे अलग कॅटेगरी आती है, वैसे मत्स्य के बाकी भाग भी खाए जाते हैं और उसका मांस एक अलग है, तो गुणधर्मों में उसमें कुछ अंतर रहेगा इस प्रकार का। इन मीट ऑफ एनिमल्स ईटिंग अनकुक्ड, है तो थोड़ा माउस करने का तो सामान सुधर पास ओके सॉरी, क्रव्याद मीन्स मीट ऑफ एनिमल्स ईटिंग अनकुक्ड फ्लेश। हाँ वो तो सही है, क्योंकि जो मांसभक्षक प्राणी है वो तो कुछ पकाकर नहीं खाते तो वो ऐसे ही कच्चा ही खा जाते हैं। हाँ ये असे कुठले मांसभक्षण करणारे प्राणी आहेत जे आपण खाऊ शकतो पक्षी पक्षी तर ते कावळाचे चिमणे आहेत चिमणा काय खातात आणि ते चिमण्या मांसभक्षण नाही आहेत माझ्या काय अंदाजाने, खातात चिमणे अभी ये नहीं बता सकते कि किन प्राणियों को क्या क्या खिलाया जाता है, जो तो पेट एनिमल्स है उसके बारे में ये तो सोचना बड़ा मुश्किल काम है। ओके तो क्रव्याद का मतलब वही रहेगा कि जो कच्चा मांस खाने वाले प्राणी है उनका मांस इस प्रकार का। ओके वो कीड़े मकोड़े खाते हैं थोड़ा सा ऐसा है। एक कुछ प्राणी एक ये है ऑमनिवोरस है ना, दोनों वेजिटेबल वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों खाने वाले इस प्रकार के हैं। मुस्तम संग्रहणीय दीपनीय पाचनीय नाम, मुस्ता ये काफी पाचन के हिसाब से अच्छी दवा है, संग्रह करने संग्रहण करने वाली है तो कॉन्स्टिपेशन में नहीं इस्तेमाल होना है, लेकिन दीपनीय पाचनीय और संग्रहणीय तीनों चीजें अगर हम चाहते हैं तो मुस्ता एक बहुत अच्छी दवा है। अतिविषा संग्रहणीय पाचनीय सर्वदोष हराणा, संग्रहणीय पाचनीय और सर्वदोष हरों में अतिविषा श्रेष्ठ है। ठीक है, बिल्वम संग्रहणीय दीपनीय वात कफ प्रशमनाना, कितने छोटे छोटे भेद है इसमें कि संग्रहणीय दीपनीय ये सभी में कॉमन ही है मानो अतिविषा में दीपनीय नहीं है, नहीं तो मुस्ता और बिल्व में है, और वात कफ प्रशमन है और अतिविषा सर्वदोष हर है प्रकार की। उदीच्यम निर्वापण दीपनीय चर्दी अतिसार हराणाम, निर्वापणीय निर्वापण निर्वापन का मतलब क्या है मिल सकता है, यहाँ तो देखेंगे निर्वापनम दोष प्रशमनम तो दोष शमन करने में
वाह, उदित निर्वापण दीपनीय शर्दी अतिसार हराणाम। शर्दी अतिसार ये तो लाजा में भी इस प्रकार का है, दीपनीय भी है, दोष शमन भी है, तो शायद हम लाजा का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में थोड़ा उशीर भी डाले तो अच्छा रहेगा। कटवंगम संग्रहणीय दीपनीया नाम, अच्छा कटवंग से मराठ होते हैं। कटवंग भी एक बार देखा जाए, मतलब नहीं कट काईफल नहीं है, वेगा है कटवंग। हाँ लेकिन देखना पड़ेगा। कुटजत्वक श्लेष्म पित्त रक्त संग्रहणीय उपशोषणीय नाम, श्लेष्म पित्त रक्त संग्रहणीय। और उपशोषणीय नाम ये यथा समूह हम ले सकेंगे। शोनाक, शोनाक कटफल का मत, कटवंग का मतलब शोनाक है, टेंटू। अच्छा ठीक है, बढ़िया। हो ना, तो ते काहीतरी उपशोषणम यत शरीरस्य असं काहीतरी आलंय त्याच्या विषयी। शरीरे आर्द्रभावं शोषयति, पाणी टिकून घ्यावं तसं ते टिकून घेत, तो जो मॉइस्चर है उसको एब्सॉर्ब करता है। अलग चीज है ये। अच्छा वहां क्या था, पित्त श्लेष, आणि तिथे उपशोषण होतच ना मला वाटतं। संग्रह जाना बाहर नहीं देता ऐसा है, और उपशोषण में एब्सॉर्ब कर लेता है ऐसा है। थोड़ा थोड़ा अंतर है। रक्त रक्त इनको रोकता है, ये एक चीज है संग्रहणीय, और फिर से एब्सॉर्ब कर लेता है, ये दूसरी चीज है। मुझे आता तो ऐसे करा लगा नहीं नहीं परवा तो जो पेशेंट सांगत होते ना की ते दूध घेतला की त्यांना म्हणणं ते श्लेष्मात बाहेर पडतात तिथे जर दुर्गंधी आहे नसेल त्याला तर तिथे असे कुठे जर सिद्ध असं करायला पाहिजे ठीक है। अभी ये एक हाँ मेरा सर मरीज हमने कल देखा था, वो कैंसर का है, एडवांस स्टेज है पैनक्रेटिक का। तो उनका कहना था कि दूध पे है, 2-2.5 लीटर तक दूध जाता है, लेकिन सकपमल प्रवृत्ति इस प्रकार की है, कुछ कुछ बार, सभी बार ऐसा नहीं। मैंने वो शुंठी का तो बतलाया था उनको, लेकिन कुटज इसका उपशोषण अगर करने वाला है, संग्रहण और उपशोषण इस प्रकार का, तो उसके बारे में सोच सकेंगे। ये भी किडनी फेलियर में जो आवश्यक भाव है वो भी बाहर निकलते हैं, एलोपैथी के हिसाब से प्रोटीन्स निकल जाते हैं, तो उनके उपशोषण के हिसाब से कुछ कर सकते हैं क्या, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि उनमें आर्द्र भाव कम होता जाता है, बहुत ही शुष्कता रूक्षता आ जाती है ये। लेकिन वो जो उनका दिखाई देता है किडनी फेलियर वाले मरीज, उनका वो ज्यादातर खरत्व कामला में जैसा इस प्रकार का होता है, उस प्रकार का खर भाव प्राप्त होता है, कार्ष्णेय और खरत्व इस प्रकार का। तो उसमें शायद स्निग्धता या आर्द्र भाव का शोषण होना है, उसको मेंटेन करना है, इसके हिसाब से कुटज का इस्तेमाल कर सकेंगे।
थोड़ा इंटीग्रेटेड है, लेकिन संग्रहणीय और उपशोषणीय इसके हिसाब से शायद इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बतलाइए। उत्पलक उत्पलक उमदक इंजल का हा अनंताचा संग्रहणीय रक्तपित्त प्रशमनानाम। दोष टीका में कुछ नहीं दिया है। संग्रहणीय रक्तपित्त प्रशमनानाम, संग्रहणीय और रक्तपित्त प्रशमन में श्रेष्ठ है, इसमें कुछ नहीं आया है। काश्मीरी फलम रक्त संग्रहणीय रक्तपित्त प्रशमनानाम, रक्त संग्रहण के लिए बहुत सारे द्रव्य बतलाए गए हैं, और रक्तपित्त प्रशमन इसके बारे में बहुत है। पृष्णिपर्णी रक्त संग्रहणीय दीपनीय पाचनीय वातहर वृषाणाम। हाँ, गंध प्रिय अंग हो, शमित पित्ताति योग प्रशमनानाम। होने गौला ना मला वाटतं, प्रियंगू म्हणजे चारोळी असं आहे का? नाही, ती प्रियाला आहे, प्रियंगू नाही, प्रियंगू म्हणजे गौलाच आहे, गौला कचोरा। प्रियंगू को भी एक बार देखा, और गंध प्रियंगू भी कोश में देखे एक बार। हाँ, अति योग है, अति वेग है, यहाँ अति योग है। तो अगर ज्यादा जोर से वो निकल रहा है शोणित और पित्त इस प्रकार का, तो मुझे मालूम है कटवंग इसके लिए उसके लिए गंधा निर्वापण। प्रिय अंग जास्ता उपलब्ध अरे है इसके लिए अरे, गंधा दी प्रिय हैज अंग जास्ता प्रोवाइडेड ए लिंक, वैद्य प्रभाकर शेंडे, पिकासा वेब google.com, आयुष शब्दकोश, अति होगा बैठा है पिकासा वेब google.com। इस लिंक को बाद में मैं देखूंगा। वेद प्रभाकर, ओके। मुझे ईमेल भी भिजवा देना। तो कटवंग, ये थोड़ा अलग अलग से देखना पड़ेगा। हाँ, अभी पृष्णिपर्णी के बारे में बात कर रहे थे। अति योग, गंध प्रियंगु शोणित पित्ताति योग प्रशमनाना, वहां पित्ताति वेग इस प्रकार का निर्देश है दूसरे टेक्स्ट में, तो अति वेग उसका है अगर, तो उसको प्रशमन करने वाला है। तो ज्यादा जोर से अगर वो जाता है तो शायद उसको देखना पड़ेगा रोकने के लिए, पित्त या रक्त के हिसाब से। पृष्णिपर्णी रक्त संग्रहणीय दीपनीय पाचनीय वातहर और वृष्य काफी रोगों में बतलाई गई है। सालपर्णी वृष्य सर्वदोष हराणा। सालपर्णी वृष्य और सर्वदोष हर, ये आसानी से मिलती है क्या? आंसर अच्छा, भी नहीं मिलता उसके बाद में मिलता सर्वर भी बड़े अच्छा ट्रेडिशनल है ना अंदर खड़े कौन नहीं। है तो देखना देखना पड़ेगा, लेकिन वृष्य और सर्वदोष हर है तो काफी जगह इस्तेमाल में आ सकती है। बला संग्रहणीय बल्य वाताहराणाम, संग्रहणीय बल्य और वाताहर, इसमें बला श्रेष्ठ है। वैसे पंचरत्न की रचि के भी इस्तेमाल में बड़ा बला बहुत मात्रा में थे, और मेरे भी इस्तेमाल में है। पिप्पली मूलम दीपनीय पाचनीय अनाहराणाम, अनाहर में श्रेष्ठ है।
चित्रक मूलम दीपनीय पाचनीय गुदशोफ शूल हराणाम, गुदशोफ और शूल इसमें चित्र का मूल सबसे अच्छा है। गोक्षुर को मूत्र कुरुक्षर अनिल हराणाम, मूत्र कुरुक्षर और वात को जीतने में गोक्षुर का श्रेष्ठ है। हरिद्रा प्रमेह हराणाम, हरिद्रा जो है वो प्रमेह हर चीजों में सबसे सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ सिर्फ हरिद्रा का निर्देश है, हरिद्रे ऐसा विवचन नहीं किया है। महेश्वरात्री निश्चय में ये प्रश्लेष निकालते हैं कि ये दोनों हरिद्रा वहां पे लेनी है। रक्ताव सेको विद्रधि विसर्प पिटका गंडमाला अपहराणा, रक्ताव से कहा रक्त मोक्षण विद्रधि विसर्प पिटका गंडमाला। अभी गंडमाला के मरीज ज्यादा मिलते नहीं है और उसका संबंध टीबी से वो पूर्व जमाने में किया हुआ है, और एंटी ट्यूबर कलर देने के बाद काफी लोगों में उस राहत भी मिली है ऐसा है, लेकिन यह अभी रेयर हो गया गंडमाला इस प्रकार का। तो सात पांचवी फिर ना, तो हम थोड़ा कोश के ऊपर चलते हैं, इसके बारे में अगर कुछ सवाल है तो शोनाकट टू तूप सुनठानी पिंपली दशाना सौंठ पिपली और शुन नहीं और घी ऐसा गोली बना के हर रोज खाते अजीर्ण ठीक है। हाँ हाँ स्नेह का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो तकर ज्यादा अच्छा है फिर। ते तृष्णा के बारे में देख रहे थे, आतपः इरण तेजसा वातेन वृद्धेन मर्माश्रित शरायणम शतात रक्तात् प्रवर्तन धातु संशय। मर्माश्रित शिरा में क्षत होने के बाद और रक्त का अति प्रवर्तन होने के बाद तृष्णा बहुत लगती है। औषधम जीर्णम ये भी तृष्णा का हेतु है। कफा क्षीण कवलस्य अतियोगः क्षयः रक्तस्य शिरामर्म वेधात् अधिकरक्तस्रावात्। जगलः जगलः यानी कि वो असवारिष्ठ में जो नीचे बैठ जाता है वो जगल कहते हैं। जलम अभिवृष्टम स्नानपानाभ्याम तत्काल पतित अन्य वर्षा मिश्रीभूतम जलम अंतरिक्षम अनार्तवम आर्तवम प्रथम, ये शायद मैंने देख लिया था हाँ। उत्करा विलम ये पता नहीं लगा था उस समय, उत्कर मुझे क्या कचरा, उत्कर का मतलब कचरा है ये हाँ केर कचरा ओके, तो उत्कर का मतलब है ये कूड़ा कचरा जो बोलते हैं वो है। कलुषम कीट पुरुष पुरुष कोथा विलम कीट मूत्र कोथा विलम। चंद्रमसा अदृष्टम चंद्रमा ने जिसको देखा नहीं है इस प्रकार। जुष्टम क्षुद्र जंतु भी इसमें अगर क्षुद्र जंतु है तो इस सभी से तृष्णा उत्पन्न होता। तप्तम गंधवत तप्त है और गंधवत है उसको गंधारे जो उन्हाड़े या ऐसा बोलते हैं गर्म पानी के कुंड या झरने होते हैं उसमें स्नान करने के बाद वो पानी कितना गर्म है उसके ऊपर वो निर्भर रहेगा, लेकिन
काफी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अगर उसमें हम स्विम करते हैं, ऐसे कुंड है, तो काफी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, चक्कर आने लगती है, ऐसा भी है। तृणजालाविलम स्नानपानाभ्याम पंकजास्त्रुतम, तो तृणजाल से आविल, पंकजन से व्याप्त, पंकास्त्रुतम। लोतादि तंतु दूषितम, लोतादि पुरुष दूषितम, लोतादि मूत्र दूषितम। पानी के संपर्क में लोता का कैसा क्या होता है मालूम नहीं है। वायुना अदृष्टम, तो वायु ने नहीं दिखा है। विरसम, विवरणम, विषदूषितम, व्यापन्नम, वीर्य दोषात्। शीतम अधिकम, शैवालास्त्रुतम, सर्पपुरीष कोथाविलम, सर्पमूत्र कोथाविलम, सूर्येण अदृष्टम, स्थूल फेनिलम, बृहत फेनयुक्तम। हठपर्णास्त्रुतम, और फिर अभी ये धूमपान से अतियोग, धूमपान से व्यापत, निग्रह वात रक्त हर्षोभ्या प्रवृत्त अबुद्धिमता कालतः आदव। तो अबुद्धिमान वैद्य ने हर्ष से प्रवृत्त के प्रवृत्त रक्त का संग्रहण पहले किया, शुरू में ही किया, तो तृष्णा उत्पन्न हो जाती है इस प्रकार। पित्तम, अभी जो फिलहाल चल रहा है पित्तम, वो तृष्णा का हेतु है, केवल पित्त। पित्तम उदीरतंच रक्तम कुपितंच अग्निकर्मणा, अग्निकर्म में भी पित्त का उदीरण होने से तृष्णा लगती है। पित्तम दुष्टं कोष्ठगतम, तो कोष्ठगत पित्त, पित्तम दुष्टं मेदोगतम स्नायुगतम। तो पित्त के प्राकृत कर्म में भी तृष्णा का निर्देश है, और विकृतियों में भी तृष्णा का निर्देश है। कोष्ठगत पित्त दुष्ट पित्त, मेदोगत दुष्ट पित्त, स्नायुगत दुष्ट पित्त, पित्तम वृद्धम, पित्तम वृद्धम अधिके अधिकम पित्तलेन सेवना। पित्ताशय स्थितत्वं विषस्य पित्त प्रकृतौ, विष पित्ताशय में रहता है। प्रतिष्ठाया दुष्ट प्रतिष्ठाया, यह भी तृष्णा का हेतु है। झालेस का झालेस, पाण्वामय तृष्णा स्नेहाति सेवनात्। बस्ते अनुवादसनस्य अतियोगस्य, व्यापक ठीक है, मुझे वही शिक्षा है। ठीक है, हाँ हाँ पांडुरंगा मध्ये कृष्णा। तो प्रार्थना कर लेते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्य शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते नयेन, आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं, वैद्यवर्गो हि नूनं।